हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेट कुकीज़। चॉकलेट कुकीज़ बनाने के लिए मैं चोको चिप्स का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो चोको चिप्स को घर पे कैसे बनाया जाए आज मैं ये बताऊँगी, तो आप लास्ट तक मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ। तो चोको चिप्स बनाना शुरू करते हैं। तो चोको चिप्स बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम डार्क चॉकलेट लिया है। अब हम इसको मेल्ट करेंगे। तो मेल्ट करने के लिए मैंने पानी रख दिया है गैस पे एक बर्तन में। देखिए पानी हमारा गर्म हो गया है। अब मैं चॉकलेट वाला बोल इसके ऊपर रख दूंगी। जब पानी गर्म होगा तो हमारा चॉकलेट मेल्ट होने लगेगा। देखिए चॉकलेट मेल्ट होने लगा है। देखिए अब पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है। मैंने इसको गैस पे से निकाल लिया है। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडे होने पे थोड़ा सा ये गाढ़ा होगा, तब हम चोको चिप्स बनाना शुरू करेंगे। चोको चिप्स बनाने के लिए मैंने एक कोन बनाया है जो कि प्लास्टिक से बना लिया है। अब मैं इसमें मेल्टेड चॉकलेट डालूंगी। अब हम ऊपर वाले हिस्से को रबर बैंड से बांध लेंगे। इसके टिप को हम कैंची से काटेंगे। अब मैंने एक प्लास्टिक शीट ली है, मैं उसके ऊपर चॉकलेट डालना शुरू कर रही हूँ। तो हम इसको एक एक करके डालते जाएंगे पूरी शीट पे। देखिए मैंने पूरी शीट पे डाल लिया है। अब हम इसको डीप फ्रीज में 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट हो गए, मैंने डीप फ्रीज से निकाल लिया है। अब हम इन चोको चिप्स को निकालेंगे। तो देखिए ये कितने आसानी से निकल रहे हैं। अब मैं इनको बोल में डाल रही हूँ। चोको चिप्स तो बनके तैयार है, अब हम कुकीज़ बनाएंगे। कुकीज़ बनाने के लिए मैंने 1/4 कप बटर लिया है। इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखा है। अब हम इसको विस्क करेंगे। तब तक विस्क करेंगे जब तक इसका टेक्सचर क्रीमी ना हो जाए। अब मैं इसमें आधा कप चीनी डालूंगी। तो चीनी को मैंने पहले से पीस लिया है, इसको छान लेंगे। छानने से जो भी चीनी के टुकड़े होंगे वो निकल जाएंगे। देखिए थोड़ी सी चीनी बिना पिसी हुई रह गई है, तो मैं इसको निकाल दूंगी। अब हम इसको फेंट लेंगे अच्छे से। तब तक फेंटना है जब तक कि इसका टेक्सचर क्रीमी ना हो जाए। इसको कम से कम 5 से 6 मिनट लगते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो उससे कम टाइम लगता है, आप उससे फेंटिए। तो देखिए हमारा टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी हो गया है। अब मैं इसमें आटा डालूंगी। तो मैंने गेहूँ का आटा लिया है जो कि 3/4 कप लिया है, और 1 बड़े चम्मच कोको पाउडर लिया है। अब हम इन सबको छान लेंगे। अब हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1 बड़े चम्मच दूध। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसका आटा लग के तैयार है। अगर आपका आटा नहीं बनता है तो आप इसमें थोड़ा सा घी या बटर और डाल लीजिए। अब हम इसको हाथों में लेके इसको फ्लैट कर देंगे दोनों हाथ से, और मैं अब इसको ढक्कन से काटने वाली हूँ। अगर आपके पास कुकीज़ कटर हो तो उससे काटिए, और इसको थोड़ा सा मैं हाथों से प्रेस कर दूँगी। तो इसी तरीके से हम सारी कुकीज़ को बना लेंगे। आज मैं कुकीज़ को गैस पे भी बनाने वाली हूँ, माइक्रोवेव में भी बनाने वाली हूँ। तो मैंने ये ढोकले का पैन लिया है, मैंने इसमें ही रख दिया है कुकीज़ को। हम इसी में आज बेक करेंगे गैस पे। और मैं चाकू से हल्का हल्का इसको शेप दे रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है, आपकी इच्छा हो तो करिए। अब मैं इसके ऊपर चोको चिप्स डाल रही हूँ जो हमने पहले से बना के रखे हैं। अब हम इसको बेक करेंगे।
तो बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे और इसके अंदर स्टैंड भी रख दिया है। इसको हम 10 मिनट तक प्री हीट करेंगे मीडियम फ्लेम पे। देखिए कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसके अंदर कुकीज़ रख देंगे। अब हम इसको 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे बेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, तो देखिए हमारी कुकीज़ बनके तैयार हो गई है, लेकिन हम 15 से 20 मिनट तक इसको ठंडा होने देंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी कुकीज़ ठंडी हो गई है। देखिए बनके तैयार है और ये बहुत अच्छी बनी है। अब हम माइक्रोवेव में बनाएंगे, तो माइक्रोवेव को पहले प्री हीट कर लेते हैं। हम कन्वेक्शन मोड पे बनाने वाले हैं, तो 180 डिग्री टेम्परेचर पे हम 10 मिनट के लिए इसको प्री हीट करेंगे। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं कुकीज़ को माइक्रोवेव में रख दे रही हूँ। अब मैं इसको 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए बेक करूँगी। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं, हमारी कुकीज़ बेक हो गई है और अब इसको ठंडा करके मैंने निकाल लिया है। तो ये देखिए बहुत अच्छी बनी है, तो आप कुकीज़ घर पे ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आती है। ख़ास तौर से जो घर में कुकीज़ बनी होती है उसका टेस्ट सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप इसे घर में ज़रूर बनाइए। कुकीज़ मैंने देखी छोटी साइज़ की बनाई थी, लेकिन ये बड़ी साइज़ की हो गई है, तो इसलिए जब भी हम कुकीज़ को बेक करने के लिए रखते हैं तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखते हैं, पास पास नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर हम पास पास रखेंगे तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगी और हमारी कुकीज़ अच्छी नहीं बनेगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे कमेंट सेक्शन पे जाके अगर कोई सजेशन हो तो आप लिख सकते हैं, और आपको किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए तो वो भी आप लिख के बता सकते हैं, तो मैं वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू।